जाती है। प्रकाश की जब बात आती है शास्त्रों में तो हमारे दिमाग में ये प्रकाश आता है, ये प्रकाश नहीं है, जो प्रकाशित करता है उसको प्रकाश कहते हैं। कैसे? अंधकार में एक मोमबत्ती बड़ी ही तेज दिखती है, उसी मोमबत्ती को सूर्य के सामने रख दो दोपहर को 12 बजे, उस मोमबत्ती का प्रकाश शून्य हो गया क्योंकि सूर्य के द्वारा वो अभिभूत हो गई। तो सूर्य का प्रकाश मोमबत्ती के प्रकाश से तेज है, समझ में आ गया। अब ये सूर्य को प्रकाशित कौन कर रहा है? हमारी दृष्टि। तो दृष्टि का प्रकाश सूर्य प्रकाश से तेज है, और ये दृष्टि के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? मन का प्रकाश। तो मन का प्रकाश सूर्य दृष्टि के प्रकाश से तेज पुंज है, और मन के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? परमात्मा। तो परमात्मा का प्रकाश इन सब का प्रकाशक है, और इसीलिए किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये इसका अर्थ है, अंगुष्ट मात्र पुरुषा ज्योति इव अधूम कहा, जिसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे मोमबत्ती सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, सूर्य आंखों को प्रकाशित नहीं कर सकता, आंखें मन को प्रकाशित नहीं कर सकती, मन बुद्धि को प्रकाशित नहीं कर सकता, बुद्धि चेतना को प्रकाशित नहीं कर सकती, और चेतना चैतन्य को नहीं पहचान सकती। अधूम कहा, इसमें धुवे की बात नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुआ वाले संदेह